सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का फोली कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। देख सकते हो काफ़ी ऑसम सी हमारी फोटो लग रही है। गाइस अगर आप भी इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो तो पक्का है कि आप भी कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करने के साथ अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर देना कि मैं जब भी कुछ इस तरह की वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सो गाइस आप लोगों को सबसे पहले अपनी फोटो को शेयर कर देना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। मिस बैकग्राउंड से मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा उन सभी मटेरियल का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करें। सो ओके, अब क्या करना है अपनी फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना। तो ऐड फोटो में जाके आप जिस फोटो को एडिट करना यानी कि लगाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर लगा सकते हो। तो गाइस मैंने ये वाला फोटो ऐड कर दिया, इसका बैकग्राउंड पहले से अरेंज कर रखा है। अगर आपको करना नहीं आता तो मैं वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना जितना बड़ा आप लगाना चाहते हो। मैं इतना लगा देता हूँ ताकि मॉडल की फोटो भी दिखे, और ऐसे कर देना राइट। सो ओके फ्रेंड, इतना कर देने के बाद में आपको टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रिसाइज पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर कुछ भी रिसाइज लिख देना है। अब यहाँ पर 28:29 आ रही है, इसको ऐड कर देना है। सो ओके का जितना हो जाने के बाद फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद में आपके सामने पे ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और ब्राइट को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इतना, और आपको सेचुरेशन को हल्का सा माइनस। ओके का इतना कर देने के बाद इरेजर वाले ऑप्शन पर इन्वेंट कर देना है और इसे उसको सिलेक्ट कर लेना है। साइज को अपने अकॉर्डिंग कर लेना है और अपने कुछ इस तरह का अपने चेहरे पर ड्रॉ कर देना है। तो चलिए गाइस मैं इसको ऐसे फटाफट कर लेता हूँ। सो ओके गाइस इतना हो जाने के बाद में ऐसे कर देना राइट और ऐसे भी कर देना राइट। सो गाइस इतना हो जाने के बाद में क्या करना है, दो पीएनजी को और ऐड करना है। हमारे गालों पे गुलाल लगाना है तो मैं इस पीएनजी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। सो गाइस आप लोगों के दो पीएनजी को ऐड कर लेना है। करने के बाद में इसको क्या करना है, बड़ी रोटेट इसको साइड में रख देना है और यह पीएनजी लाइट फोटो को जूम करना है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार लगा देना है। तो एक तरफ ये पिंक लगा देना है और इसका डुप्लीकेट बना लेना है और एक तरफ यह हरा लगा देना है। अब क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है, इरेजर वाले ऑप्शन में जाके इसको यहाँ से इरेज कर देना है, उधर की तरफ भी इसको इरेज कर देना है। सो ओके गाइस इतना कर देने के बाद में ऐसे कर देना राइट। जो ये पीएनजी ना इसको यहाँ पे रोटेट करना है कुछ इस तरह से और नीचे की तरफ लाके कुछ इस प्रकार इसको लगा देना है। सो ओके और ऐसे कर देना राइट। फिर से आपको यह करना है, टूल वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले टूल्स पे क्लिक करना है। आपके सामने सिचुएशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा कि सिचुएशन को बढ़ा लेना जिससे हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा और ज़्यादा येलो हो जाए। सो ओके, अब इरेजर वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे इरेजर वाले ब्रश को ले लेना है और अपने चेहरे में से कुछ इस प्रकार ड्रॉ कर देना है। इसका ज़्यादा हमारा चेहरा सिचुएशन आ चुकी है तो इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। सो ओके, अब यहाँ से कर देना है राइट। सो यहाँ से भी कर देना है राइट। सो ओके गाइस हमारी फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, ऐसे इस फोटो को ऐसे ड्रॉ टूल में जाके सेव कर लेना है। तो गाइस अब क्या करना है, अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आपको इसी को डाउनलोड देने दो पहले और ऐसे हो जाना है बैक। आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है फोटो रूम। तो ये आप लोगों को इस पर प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। आप तो सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करना है, करने के बाद में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद में ऐसे अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना चाहते हो, जिस फोटो का आप बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हो ना उस फोटो को ऐसे ऐड कर लेना है। तो जैसे मैं दिखाने के लिए मैं ये वाली फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ, करने के बाद में ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगी, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा जितना अपना नेट पास्ट होगा उसके हिसाब से होगा। तो गाइस ये हो चुका है, अब क्या करना है, आप ये यहाँ से भी डायरेक्ट बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करना है इस फोटो पे, और आपको क्या करना है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, आ जाने के बाद ऊपर तीर वाला डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।